ओके, तो अब हमारे सेकेंड वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू पॉइंट, ठीक है, फैक्टर्स लेसन के अंदर का न्यू पॉइंट, जिसका नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, जो हम डिवीजन करते हैं उस डिवीजन करने के लिए कुछ स्मॉल स्मॉल रूल्स है, कुछ स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स है, जिनकी वजह से आपको फट से ऐसे चुटकी बजाते पता चल जाएगा कि किस नंबर को हम पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मींस जिसका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं, और किन नंबर्स को हम पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किस नंबर से किस नंबर को हम पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं और किससे नहीं कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे हमारे इस रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी विल हेल्प यू फाइंड आउट विच नंबर्स डिवाइड अदर्स विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। कौन से नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। ठीक है, यहाँ पे देखो एक टेबल है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, आपको वो दिख रहा होगा, मैं रीड करता हूँ आपके लिए। यहाँ पे इस टेबल में दो कॉलम्स है, ठीक है, ये एक और ये दूसरा। वैसे ही यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे दूसरा कॉलम है। अब देखो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ये क्या है कॉलम्स, ठीक है, और इन कॉलम्स में जो चीज़ें हैं वो क्या है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय। ठीक है, एक नंबर मींस कोई भी नंबर जो डिविजिबल बाय टू हो सकता है, ठीक है, वो कब हो सकता है, कोई भी नंबर जिसे हम टू से पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका रूल क्या है, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको हम टू से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो उसका रूल ये है, अगर उस नंबर के इफ़ द लास्ट डिजिट इज़, अगर उस पर्टिकुलर नंबर का जिसे हम टू से डिवाइड करने वाले हैं, उस नंबर का लास्ट डिजिट अगर ज़ीरो या टू और फोर और सिक्स और एट अगर हो, ठीक है, किसी भी नंबर के एंड में उसका लास्ट डिजिट अगर ज़ीरो टू फोर सिक्स या एट, इनमें से कोई भी अगर उसका लास्ट डिजिट है, तो हम उस नंबर को टू से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही फाइव से हम कौन से नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, सेम रूल है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में ज़ीरो या फाइव अगर हो, तो आप उस नंबर को फाइव से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हो। और फिर टेन से ज़्यादा हम कैसे करेंगे किसी भी नंबर को, तो जिस नंबर के एंड में अगर ज़ीरो हो, ठीक है, कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट ज़ीरो हो, तो आपके उस नंबर को आप 10 से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अब दूसरा टेबल है, यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे 3 और 9 के बारे में। इनका रूल थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू दिस थ्री। ठीक है, टू फाइव और 10 से इस 3 और 9 का रूल थोड़ा सा अलग है। वो अलग कैसे है हम लोग पढ़ते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री। कोई भी नंबर थ्री से पूरी तरह से डिविजिबल तब रहता है जब इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय थ्री। अगर उस नंबर में जो डिजिट्स रहेंगे, उन डिजिट्स कि अगर हम एडिशन करें और उस एडिशन का जो सम हमें मिलेगा, मींस उस एडिशन का जो आंसर हमें मिलेगा, उस आंसर को अगर हम थ्री से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो हम उस नंबर को भी थ्री से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये आपको ठीक से समझ नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो एक नीचे एग्जाम्पल है, इज 54 डिविजिबल बाय थ्री। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अब 54 थ्री से डिविजिबल है या नहीं है कैसे समझेंगे। यहाँ पे लिखा है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब ये जो डिजिट्स है 54 में कौन से डिजिट्स है, एक फाइव है एक फोर है,
तो इन दोनों डिजिट्स की जब हम एडिशन कर देंगे, 5 + 4 कर देंगे, और इसका जो सम हमें मिलेगा मीन्स इसका आंसर 9, इस 9 को अगर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी तरह से, तो हम इस 3 से इस 54 को भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब वैसे ही 9 के लिए भी आएगा, 9 के लिए भी वही रूल है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 9 के लिए समझने के लिए, सपोज 452, 452 इज 452 डिविजिबल बाय 9। क्या हम 452 को 9 से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो चेक करते हैं, 5 + 4 + 2, इनमें जो जो डिजिट्स थे हमने उनकी सबकी कर दी एडिशन, और एडिशन उनकी क्या आई, 4 + 5 9, 9 + 2 11। 11 को अब हम 9 से डिवाइड करके देखते हैं, क्या हम 11 को 9 से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस 9 को 3 से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते थे, तो यहाँ पे हम इस 11 को 9 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। रूल्स दोनों के 3 एंड 9 के सेम हैं। अगर किसी नंबर के उसके अंदर जो डिजिट्स होते हैं उनकी हमें पहले एडिशन करनी है, और जो आंसर आएगा उस आंसर को हमें 3 से डिवाइड करना है। यहाँ पे भी जो नंबर्स थे हमने उनकी एडिशन की, और उस आंसर को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 से कर रहे हैं और यहाँ पे 3 से कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि दिया हुआ नंबर 3 से डिविजिबल है क्या, और यहाँ पे दिया हुआ जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है क्या। तो यहाँ पे 9 से डिविजिबल है क्या और यहाँ पे 3 से डिविजिबल है क्या, ये ढूंढ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम फिर लिख देंगे 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो सो 452 इज नॉट डिविजिबल 9। ठीक है, वो डिविजिबल बाय 9 नहीं है, बट यहाँ पे 54 डिविजिबल बाय 3 है। क्यों है? क्योंकि 5 एंड 4 की जो एडिशन 9 आई थी उसे हम 3 से डिवाइड कर पाए थे। ओके, तो ये थे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो हमारे फैक्टर्स के लेसन में पेज नंबर 100 पे है। ठीक है, अब इन रूल्स के ऊपर हमारा एक एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज 5B। उसमें हमारा एक क्वेश्चन है, पुट अ राइट टिक मार्क इफ द नंबर इज डिविजिबल एंड क्रॉस टिक मार्क इफ इट इज नॉट, वन हैज बीन डन फॉर यू। बट यहाँ पे मैंने सारे किए हुए हैं, तो आप लोग एक बार ध्यान से देख लो। ए नंबर कौन सा है? 12, और यहाँ पे क्या लिखा है? डिविजिबल बाय ए, सॉरी, ये जो 12 है ये कौन से नंबर से डिविजिबल बाय है? तो 12 2 से डिविजिबल है क्या? एंड में देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 2। और हमारा रूल्स क्या बोलता है? हमारे रूल बोलते हैं कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो 2 से डिविजिबल बाय है, इसलिए हमने 2 से डिविजिबल बाय करेक्ट कर दिया। अब 3 से डिविजिबल है क्या? 3 का हमारा रूल क्या था कि अगर किसी भी जो नंबर दिया होगा उसके उन नंबर्स की एडिशन का जो आंसर आएगा उसे अगर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो 3 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे हमारा नंबर है 12, 12 में कौन से नंबर्स है? 1 एंड 2, 1 + 2 = 3, तो 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स हम 3 से 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने कर दिया राइट टिक मार्क। 12 डिवाइड बाय 5 नहीं कर सकते तो रॉन्ग टिक मार्क, 12 डिवाइड बाय 9 नहीं कर सकते तो रॉन्ग टिक मार्क, 12 डिवाइड बाय 10 नहीं कर सकते इसलिए रॉन्ग टिक मार्क। क्यों रॉन्ग टिक मार्क है? इनके भी हमने रूल्स पढ़े हैं, राइट? 5 से हम कौन से नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं जिनके एंड में 0 या 5 आता हो, बट यहाँ पे हमारे 12 के एंड में 0 या 5 है क्या? नहीं, उसके एंड में 2 है, इसलिए हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। सेम वे 9 से उसे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 9 का रूल क्या बोलता है? दो नंबर्स की एडिशन करनी है और उसका जो एडिशन का आंसर आएगा उससे 9 से डिवाइड करके देखना है। अगर हम उससे 9 से डिवाइड कर सकते हैं तो जो दिया हुआ नंबर है उसे भी 9 से डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे 1 + 2 कितना होगा? 3,
थ्री से हम नाइन, थ्री को हम नाइन से डिवाइड कैसे कर सकते हैं, नाइन तो बड़ा है ना थ्री से, इसलिए नॉट पॉसिबल। और फिर लास्ट में हमारा जो टेन है, टेन का रूल क्या बोलता है कि अगर किसी नंबर के एंड में जीरो है, ठीक है, मतलब उसका लास्ट डिजिट अगर जीरो है, तो ही आप उसे टेन से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे हमारे नंबर के लास्ट डिजिट कौन सा है, टू है, जीरो नहीं है, इसलिए हम उसे टेन से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये रहे बाकी के सारे नंबर्स के कैलकुलेशंस। अब ये कैलकुलेशंस आप खुद से पहले आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 101 पे ट्राई करके देखना, ठीक है, और जब ये हो जाए तो इसका फोटो निकाल के हमारे व्हाट्सएप मैथ्स के ग्रुप में भेज देना मुझे, ओके। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है फैक्टर्स ट्री, ठीक है, फैक्टर्स ट्री कैसे बनाते हैं, बट ये हम आज नहीं पढ़ने वाले। सो आज के लिए इतना ही, हरि ओम।